हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं थोड़ा सा इनको भी ट्रीट कर दूँ सर। हमारी ये मेरे पीछे जो खड़ी टीम, ये पूरे हरियाणा की टीम बन चुकी है। अब ये नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय फोक डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए अभी अदर स्टेट में जाएगी। कल गुड़गांव में 22 जिलों की जो टीम वहाँ भिड़ी थी, तो उन आपस में उस कॉम्पिटिशन में राष्ट्रीय फोक डांस कॉम्पिटिशन था और साथ में भूमिका निर्वहन कॉम्पिटिशन था। उसमें जिला जेल की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ये टीम प्रथम स्थान पर आई थी और एक बार आज गांव वाले इनका सम्मान कर रहे हैं। पूरे गांव के लोग इन बच्चियों को सम्मानित करने के लिए यहां आए हैं। हम आप सभी पूरे स्टाफ की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए राजेंद्र जी हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने इन बच्चों के लिए 1100 रुपए की राशि हमें प्रदान की है। हम दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरपंच बीरबल जी की तरफ से 2100 रुपए इन बच्चों के लिए और प्रदान किए जाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। कहना चाहोगे, आपके स्कूल ने नाम रोशन किया है? ये बहुत ही खुशी का अनुभव हो रही है, क्योंकि आज से पहले VMS हरियाणा की टीम ने कभी स्टेट तो क्या है, ब्लॉक लेवल पे ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं नरेश जीओ का, राजरानी मैडम जीओ का, सभी स्टाफ का, जिन्होंने इतना बढ़िया सहयोग, सबके सहयोग से जो है हमारी टीम आज डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट लेवल पर पहुँची है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है नेशनल लेवल पर भी जीत जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, क्या बात है। Thank you.
जुल जावे कदे छटी बुआवे कदे पालने जुलावे कदे माने दिखावे और जे छोरी होगी फिर तेरी सासू की बोले घर बेटे की आस लाग री घड़िए खुश दी हो री मैं मेरी सास ने मैं जानूवा चावे ना कदे छोरी ने मेरी सास तो आड़े बोते ज्यादा कष्ट सवे परफॉर्मेंस है अब स्टेट लेवल तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे में जब ये शुरुआत हुई थी यानी कि ब्लॉक स्तर से जो शुरुआत हुई थी और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ऐसे में वहां पर किन व्यक्तियों का योगदान रहा है इसको यहां तक पहुंचाने में? वास्तव में जिला स्तर पर भी और ब्लॉक स्तर पर भी जो हमारे अधिकारीगण हैं उनका बहुत योगदान रहा। ब्लॉक स्तर पर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास डॉक्टर ज्योति शोकन जी जो बीओ नरवाना है, उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। और जब ये जिला स्तर पर गई तो डाइटिकस के जो पदाधिकारीगण हैं जो इसको बार बार देख भी रहे थे, उसमें डॉक्टर सुरेंद्र गौर जी हैं और डॉक्टर सुरेश जी जो हमारे साथ वहाँ सीआरटी में भी रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तभी हम इस संदेश को लोगों तक पहुँचा पाए।